गए। आइए आइए, स्वागत है आपका। आप आए, बाहर आई। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इतनी फिल्मी, इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही हूँ। भाई बात ही कुछ ऐसी है। सक्सेस फेयर के हमारे आज के एपिसोड में जो स्पेशल गेस्ट हमसे जुड़ने वाले हैं वो हैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर। कौन है? मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उनका नाम तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए देर किस बात की, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज हमारे साथ सक्सेस फेयर में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मिस्टर फिरोज ईरानी। फिरोज जी नमस्ते। हाँ जी। सक्सेस फेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आपने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से 40 से ज़्यादा साल से काम किया है। जी एग्जैक्टली फ्रॉम 1967 से लेके 2019 एंड स्टिल गोइंग ऑन। सबसे पहले तो आप ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं? व्हाट मेक्स यू कीप गोइंग? एनर्जी ऐसी चीज़ है कि जैसे हर काम में आपको मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो बदन को भी दुरुस्त रखने के लिए, अच्छी बॉडी रखने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो वो एक्सरसाइज मैं करता हूँ ताकि मैं चलता रहूँ। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में आपने इतने सालों से काम किया है, आपने इंडस्ट्री को उभरते देखा है, बदलते देखा है, उसका बैड पीरियड भी देखा है जी। एक ज़माना था कि जबकि गुजराती फिल्में साल की कुछ 70 बनने लगी, साल की 70 फिल्म्स बनने लगी थी, और उस वक्त बहुत अच्छा पीरियड चल रहा था। और सडनली एक डाउनफॉल आया, जबकि साल की 4 फिल्में 5 फिल्में इस तरह का वो दौर आ गया था कि जबकि एकदम लो ग्रेड पे चली गई थी फिल्म। इतने साल निकल गए, कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आपने हीरो बनना क्यों नहीं चुना, या आपको हीरो नहीं बना के विलन बना दिया गया? आप नहीं नहीं ऐसा सेल्फ मेड विलन है या नहीं? एक्चुअली ऐसा नहीं था। हर आदमी को हीरो बनना होता है जी। तो पहले तो मुझे शौक हुआ कि मैं हीरो बन जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को अंदर से टटोला, क्योंकि मैं ड्रामास में काम करता था जब मैं 8 साल का था। हमारे फादर की ड्रामा कंपनी थी और उसमें पहली बार मैंने काम किया जी। तो तब से मैंने अपने आप को टटोल के देखा कि मैं ये डांस करना, ये हीरोइन के पीछे जाना, विलन को 2 झापड़ मारना, यू नो ऑल दिस। वो ज़माने में यही होता था कि विलन्स को ज़्यादा परफॉर्म करने मिलता था और हीरोज़ के ऊपर लाइबिलिटीज बहुत कम थी। एब्सोल्युटली। सीधे साधे हीरोज़, सीधे साधे हीरोज़ हुआ करते थे। और वो नहीं कि चलो भाई ये आगे, आज वो दौर चेंज हुआ अमिताभ जी के पास। हाँ, सो दैट टाइम मुझे ऐसा लगा नहीं इसमें मज़ा नहीं आता है, अंदर से जो मज़ा आना चाहिए, जो जोश वाला होना चाहिए, वो सब सीन्स इसमें मिलेंगे। सो मैं विलन बन गया। ओह, और मुझे लगा कि शायद मैंने अच्छा ही किया, वरना शायद मैं आउट हो गया। नहीं, एब्सोल्युटली। तो आपने इसमें अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखी जी। आपने अपने फादर का जिक्र किया, आपने थिएटर में भी काम किया है जी। तो फैमिली का, आपकी फैमिली भी बिल्कुल फिल्मी बैकग्राउंड, आप प्रोडक्शन, जैसे आपने आपके फादर भी इसमें बहुत एक्टिव थे, तो फैमिली का फिरोज ईरानी को बनाने में सपोर्ट कितना? देखिए, सपोर्ट भी था कि मुझे फादर की ड्रामा कंपनी थी और उसमें मैं काम कर रहा था, फिर हम लोग सब साथ में बड़े हुए पूरी फैमिली, और उसके बाद सडनली एक दिन फादर की डेथ हो गई। सो उसके बाद वो ड्रामा कंपनी और वो सब बंद हो गया। फिर मैं बाहर के ड्रामास में काम करने लगा, और वहाँ से एक दिन एक डायरेक्टर आए थे, उन्होंने वो देखा मुझे काम करते हुए, तो मेरे पास आए अंदर, मुझे पूछे कि यार गुजराती फिल्म है, तुम विलन का रोल करोगे? मैं बोला हाँ करूँगा।
ड्रामा में मैं हीरो था ओ लेकिन यहाँ मैं विलन का रोल करने के लिए रेडी हो गया और उसके बाद मैंने वो फिल्म की गुजराती, दैट वाज इन 71 72, दैट वाज सेकंड थर्ड फिल्म, सो उस वक्त वीर राम वालों करके, और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सडनली सब आने लगे विलन विलन विलन, मैं बोला अच्छा ठीक है। तो उसके बाद सडनली मुझे ही लगा कि अब मैं यंग विलन से ओल्ड विलन करूँ, तो मैं उस वक्त आई थिंक आई वॉज ओनली 38 40, और मैंने पहली बार ओल्ड विलन का गेटअप किया वीक एंड ये, और वो फिल्म का नाम था नसीबदार। नसीबदार जी। तो उसमें असरानी साहब थे मेरे सामने हीरो के रोल में। आई डिड दैट, वहाँ से पब्लिक ने मुझे उस रोल में भी एक्सेप्ट किया, और उसके साथ में अगेन यंग विलन के भी रोल करता था, तो पब्लिक मुझ पे बहुत मेहरबान रही, पता नहीं कैसे। तो आप वर्सेटाइल विलन भी रहे। ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ अगर रियल लाइफ में हुआ हो जी, कि जी, आपके विलन के रोल इतने इफेक्टिव रहे हो कि आपके फैंस इस तरह से आपके सामने पेश आए हो? बहुत यंग एज थी, हालांकि मैंने उसमें ओल्ड रोल किया था। आई वॉज प्लेइंग फादर ऑफ अरविंद राठौर, कैन यू इमेजिन, एंड असरानी साहब प्लेइंग हीरो अपोजिट मी। दैट फिल्म वॉज नसीबदार, उसका प्रीमियर था, और उस ज़माने में हम लोग स्टेज पे जाया करते थे प्रीमियर के बाद। इस तरफ पुलिस रहती थी, इस तरफ पुलिस रहती थी। एक औरत कहीं से मुझे दूर से दिखाई दी जो हाथ में एक चप्पल लेकर आ रही थी। माय गॉड। और शी वॉज ओल्ड लेडी। मैं बोला ये क्या है, मुझे गाली दे रही है, किसको गाली दे रही है? सडनली वो एकदम जब नज़दीक आई तो मेरे को ऐसा देख के, तेरे को माँ बहन है कि नहीं है? ओह माय गॉड। क्या हुआ मैं समझ गया, तो असरानी साहब मेरे साथ खड़े थे, तो मेरे को बोला आज तू पिटने वाला है। मैं बोला हाँ सर। तो सडनली वो जब एकदम पास आई, पुलिस वाले ने रोका उसे नेचुरली, बिल्कुल। तो मैंने उससे बोला आने दो, तो असरानी साहब मेरे साथ दीपक घी वाला ये लोग सब आर्टिस्ट लोग खड़े थे, तो क्या कर रहा है तू? कोई बात नहीं आने दो। आई, हाथ में चप्पल लेके इधर तक आ गई थी और मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था। वो मुझे देख के बोलती है ऐसे, वो रुक गई एंड शी सेड ऐसे तो अच्छे आदमी लगते हो, फिर फिल्म में ऐसा काम क्यों करते हो? ओह माय गॉड। अगर मैं नहीं करूँ तो आपको हीरो हीरोइन पे दया आएगी? बिल्कुल। बोले नहीं। सो ये बात मैंने कही और उसके बाद शी वॉज वेरी हैप्पी, फिर तो मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, बोली हर तेरी फिल्म देखूंगी मैं। बोला ठीक। तो फैंस है तो हम है, ऑब्वियसली सीधी बात। आपने अभी शुरुआत में बताया था कि आपने ऐसा सोचा कि हीरो में क्या है, डांस करना ये करना, लेकिन मुझे याद है आपकी एक फिल्म आई थी शायद वीर पसी, जिसमें एज अ विलन आपके पर एक कवाली फिल्म आई गई थी। एम आई राइट? तो वो एक्सपीरियंस बताइए। ऐसा तो अच्छा था वो एक्सपीरियंस, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला ढोला मारू। ढोला मारू? तो ढोला मारू में कंपटीशन सॉन्ग था बिटवीन हीरो एंड विलन। तो उस जमाने में नरेश भाई टॉप पे थे और नरेश भाई का वो गाना था, और शंकर जी के मंदिर में वो गाना था, और स्टार्ट करता है विलन एंड फिनिश करते हैं हीरो। वो कंपटीशन सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था उस जमाने, और पब्लिक ने बहुत एंजॉय किया था। उस ज़माने में हम लोग प्रीमियर में भी गए थे, तो लोग पैसे फेंकते थे वो गाने में, बिकॉज दैट वॉज फर्स्ट टाइम के एक विलन आके गाना गा रहा है, और वो भी शिव जी के सामने। सर हम यहाँ पे लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि सक्सेस फेयर के दर्शकों के लिए आप फिरोज इरानी के अंदाज में ब्रेक को प्रेजेंट करें। नमस्ते दोस्तों, आपने सक्सेस फेयर में अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर टीजर देखा है, स्टोरी तो अभी बाकी है। मेरे कहने का मतलब है ट्रेलर हुआ है लेकिन फिल्म अभी बाकी है। वेलकम बैक टू सक्सेस फेयर, हमारी बातचीत जारी है फिरोज इरानी जी के साथ। चलिए ये दौर हम आगे बढ़ाते हैं जी। फिरोज जी, बातें तो हमने बहुत की, लेकिन अभी तक हमने फिरोज इरानी वाला
फिल्मी अंदाज में ही देखा है। आपका फेवरेट कोई डायलॉग हो जाए। क्या है, मैं जहाँ भी गुजरात में जाता हूँ या कि जैसे समझिए किसी शादी में गया, किसी फंक्शन में गया, इवन इलेक्शन के कैंपेन में गया, कैंपेन में भी, हाँ, तो वहाँ पर भी मुझे ये डायलॉग को मिक्स करके ही बोलना पड़ता है जी। तो वो डायलॉग ऐसा है कि वो बहुत पुरानी एक फिल्म थी मेरो माला, जबकि कर्फ्यू लगता था अहमदाबाद में जी। तो दो ही शो होते थे, 3 का शो और 6 का शो, 7 बजे कर्फ्यू लग जाता जी। उस जमाने में वो फिल्म हाउसफुल होती थी, ऑल शोज पैक कर्फ्यू के टाइम पे थी। हाँ, तो उसका एक डायलॉग था बहुत फेमस, माणका, माणका वाला कैरेक्टर। हाँ, कि वहाँ पे वो हीरो खराब आदमी, तो नेचुरली हीरो और हीरोइन को मिलने नहीं दे, तो उधर था कि वो हीरो हीरोइन से मिलने जा रहा है, मैं उसको रोक के बोलता हूँ, लगा देता है कर्फ्यू लगा देता है। वहाँ पे बोलता है कि मेरो मालण ने मरवू मेली दे, अने जे मार्गे आव्यो छे एज मार्गे पाछो जतो रे, नय मरद नो दीकरो होय तो था माटी, पण આગળ વધવા પહેલા એટલું યાદ રાખજે કે માણકાનો ખાતો પારકા જેવો, એક પડશે ને તો પાણી નહીં માંગે। વાવ, अमेजिंग। अब वो यंग विलन था तो वो जोश भी यंग विलन का मुझे रखना पड़ता था। जोश अभी भी यंग विलन जैसा ही है। थैंक यू, बहुत 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 बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, आपने एक्टर होने के साथ साथ एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए स्क्रीन प्ले राइटर काम किया है जी। तो बस आप इसके बारे में क्या कमेंट्स करना चाहेंगे, ये सारे जगहों पे एक्चुअली मैंने सबसे पहले एक फिल्म गुजराती में बनाई, दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1976। फिल्म का नाम था कंचन अने गंगा। सो अरुणा जी, माय एल्डर सिस्टर, शी वाज इन द डबल रोल। सो उस जमाने में जब मैंने वो फिल्म शुरू की तो सब लोग ये बोलने लगे कि ये सीता और गीता आई है, उस पे से कॉपी की है। तो हम लोग बहुत चौकन्ने रहे, हम लोगों ने सोचा कहीं पब्लिक को ये फील नहीं होना चाहिए कि ये फिल्म सीता और गीता पे से कॉपी की है। ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन वही थी, क्योंकि सीता और गीता के पहले राम और श्याम आई थी। अब ये आप बोलेंगे कि राम और श्याम से इंस्पायर होके किया, सो इट्स नॉट लाइक दैट, बट डेफिनेटली थोड़ी इंस्पिरेशन जरूर मिलती है। सो उस फिल्म में हमने एक बहन को लंगड़ी बताया था, और एक बहन जो थी वो एकदम ठीक ठाक। सो पब्लिक को वो कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। उसके बाद वो फिल्म एकदम ऐसी हिट हुई कि जब सिल्वर जुबली वीक चल रहा था तो उसमें उस जमाने में भी 5 थिएटर में वो फिल्म चल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने बनाई रंगीली गुजरातन, वो 78 में बनाई, वो भी बहुत हिट गई। तो 2 फिल्में बनाई, देन सडनली मेरे, जैसे आपने बोला वो वीर पसली और ये, सडनली मैं धीरे 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 एक्टिंग में बिजी होने लगा। सो वहाँ से निकल कर मैं इस साइड आ गया और एज एन एक्टर यहाँ पे चलने लगा। सो मुझे उस जमाने में, मैं मुझे याद है कि मैं 5 फिल्मों की शूटिंग इन अ डे करता, 5 फिल्म्स, एंड कभी यहाँ कभी वहाँ, यहाँ 2 घंटे कहीं पे 3 घंटे, इस तरह मेरा काम चलता था। तो डाइवर्ट हो गया सारा, डाइवर्ट हो गया सारा। फिर एक्चुअली तो मेरा शौक डायरेक्शन था, प्रोडक्शन के साथ स्टोरी डायरेक्शन, ये बेसिकली मुझे बहुत पसंद है कि एक क्रिएशन होता है ना उसमें, जैसे एक्टिंग भी एक क्रिएशन। और उसके बाद डायरेक्शन मेरा एक शौक था, मैं असिस्टेंट भी रह चुका था राकेश कुमार जी के पास, फिल्म थी खून पसीना, एंड हम लोग कश्मीर गए हुए थे, वहाँ का एक इंसिडेंट सुना था। तो उधर गया था और वहाँ पे शूटिंग में एक एक्टर आने वाले थे बॉम्बे से, वो आ नहीं पाए, और शूट था अमित जी के साथ में। तो मुझे राकेश जी ने बोला कि तू आज डायरेक्शन में नहीं बैठेगा। पहले मैं डर गया, बोला सर मेरी कोई गलती हो गई, बोले नहीं वो एक्टर नहीं आया, तो अभी कश्मीर में मैं क्या वो एक्टर ढूंढने जाऊंगा। तूने काम किया है गुजराती फिल्मों में, किया है गुजराती स्टेज किया है, हाँ सर चल मेकअप कर तैयार हो जा। यहाँ से वहाँ। वो भी हुआ,
फिर उसके बाद धीरे 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 करके एक बार एक मौका मिला मुझे, सडनली एक अच्छी स्टोरी थी मेरे पास। okay. उस स्टोरी मैंने जाके एक प्रोड्यूसर को सुनाई तो उसने बोला कि हाँ इसे हिंदी में बनाते, एंड वो फिल्म हमने बनाई थी होते होते प्यार हो गया, काजोल और हाँ काजोल जैकी आयशा झुलका तू लगनी उतरी प्रेम चोपड़ा जी और काफ़ी लोग थे उसमें, अरुणा जी भी थी। फिरोज जी, बातचीत का ये दौर तो हमारा जारी ही रहेगा जी। लेकिन जब मेरे सामने इतने अच्छे इतने बड़े डायरेक्टर बैठे हों तो मैं तो चाहूँगी कि मुझे भी एक्ट्रेस बनने का एक छोटा सा मौका तो मिलना चाहिए। जी जी, तो आप कोई डायलॉग दीजिए, डायरेक्ट कीजिए और मैं कोशिश करती हूँ एक्टिंग करने का। गुजराती में बता। बिल्कुल। भाभी तुम्हारा पैसा चोरी थे क्या अने तमने खबर ज ना पड़ी? आ तो कहता कहवाई गई पी कहता नहीं के की तू। ओके चलिए कोशिश करते हैं। भाभी तुम्हारा पैसा चोराई गया अने तमने खबर पण नथी पड़ी? आ तो कहता कहवाई गयू पी कहता नहीं के कीधु नतू। हाँ ऐसे नहीं, वो जो लाइन है ओके पंच लाइन जी, क्या तो कहता कहवाई गयू, अगर आप किसी के कान में जहर डाल रहे हो कुछ गलत चढ़ा रहे हो तो चढ़ाने का टोन होना चाहिए। चलिए मैं लेती हूँ एक्टिंग की टिप्स फिरोज जी से, आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी मिलते हैं सक्सेस फेयर में। वेलकम बैक टू सक्सेस फेयर। सुहाना मौसम हो चला है और हमारे सवालों का सुहाना सफर जारी है फिरोज ईरानी जी के साथ। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं जी। फिरोज जी हाँ, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री और उसमें प्रोडक्शन डायरेक्शन सबके बीच के कोलैबोरेशन। करेक्ट। तो इसमें आजकल इम्प्रोवाइजेशन की कहाँ कहाँ अहमियत है और क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है? देखिए ऐसा है कि इम्प्रोवाइजेशन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। बहुत सालों पहले एक फिल्म कर रहा था और उस फिल्म का नाम था नसीबदार। मैं बाप का रोल कर रहा था और जो बेटा था वो यंग विलन था। तो उसका एक डायलॉग था कि पप्पा हूँ तुम्हारा पैसा इतने उड़ाऊँ छू कि बाप तेवा बेटा ने वड़ तेवा टेटा। सडनली मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि ये तो मेरा कैरेक्टर डाउन जा रहा है। मैंने इमीडिएटली उसको जवाब दिया कि पण एटलू याद रखजे बेटा, टेटानू वजन एटलू न वधी जाए कि वळ एने झीरवी न शके। दिस वॉज द इम्प्रोवाइजेशन। एंड यूनिट जो था वो लोग भी चौंक गए और वो लोग सब खुश हो गए, डायरेक्टर भी खुश हो गया और बोला मैं ये रखूँगा। आप अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपके और आगे के प्लान्स क्या हैं? जो आपने मेरे बेटे के लिए सवाल किया तो मैं इसके लिए बहुत ही एक अच्छी बात किसी ने कही है, शायद शेक्सपियर ने, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि आर्टिस्ट एंड इडियट्स दे आर बॉर्न दे आर नॉट मेड। बिल्कुल। तो कला जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। आज मैं मेरे बेटे को कितना भी पुश करूं, अगर उसमें कला नहीं होगी तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आज तक मुझे गुजरात की पब्लिक ने बहुत बहुत प्यार दिया जी। हाँ जी, इसलिए मैं हमेशा यही चाहता हूं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरे बेटे की जो फिल्म आ रही है मिस्टर कलाकार, इसको मैंने डायरेक्ट की। ओह वाओ। और मैंने डायरेक्ट की है इसलिए मैं मेरी जनता से, गुजरात की जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया, मुझे स्वीकार किया, तो उसी तरह मेरे बेटे को भी स्वीकार करें, लेकिन उसकी मेहनत उसका काम देखकर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि भाई फिरोज़ का बेटा था इसलिए लोगों ने उसको पुश किया, नहीं, उसका काम देखे। अगर उसमें दम होगा, उसके काम में दम होगा तो गुजरात की पब्लिक उसे ज़रूर एक्सेप्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। यही मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। फिरोज जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री एक तरफ, दूसरी तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो विलन जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं, उनको पॉपुलरिटी भी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू गुजराती जी। तो ये जो डिफरेंस है हाँ, उसको आप किस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे? देखिए डिफरेंस को मैं
अपने कैरियर से आपको जस्टिफाई करके देता हूँ कि जब मैं हिंदी में काम कर रहा था तब मुझे गुजराती फिल्में सडनली मिलने लगी। आई टोल्ड यू कि उसके बाद मेरे पास गुजराती फिल्मों की बहुत ऑफर आने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि मैं गुजराती फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ और मुझे फ़ोन आया कि सर परसों के दिन हम लोग शूटिंग कर रहे हैं आप और ये रोल है। एंड आई वाज शॉक्ड। मैं बोला भाई मैं नहीं आ सकता, अगर मैं आ गया तो ये प्रोड्यूसर बेचारा मर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो उसका भी नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से मैंने कई फिल्में छोड़ दी और उसके बाद मुझे अंदर से एक अलग एक मैंने बोला ना कि एक अपना भी एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है। तो उस सेटिस्फेक्शन का ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मुझे गुजरात की जनता बहुत प्यार देती थी। बिल्कुल। और वो प्यार जो था वो मुझे हमेशा घसीटता रहा। कैन यू बिलीव, अभी मैंने गुजराती फिल्म की शूटिंग यूएसए शिकागो में की और फिल्म का नाम है गुजरातनु गौरव। गुजरातनु गौरव नहीं, आज पूरे इंडिया का नाम जिन्होंने रोशन किया है मोदी साहब वो हमारे लिए एक्चुअली तो गुजरात से ही शुरू हुए, तो आई वुड से कि गुजरातनु गौरव मोदी साहब हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। खैर ये अलग बात है, लेकिन उस फिल्म की जब मैं शूटिंग के लिए गया तब मुझे शिकागो के गुजराती समाज ने बुलाया, मेरा बहुमान किया। एंड आई वाज सो शॉक्ड। वहाँ से फिर मुझे न्यू जर्सी जाना पड़ा, वहाँ भी उन लोगों ने मेरे को मुझे अवार्ड दिया। एंड मुझे इतना पसंद आया, वो बात दिल को टच कर गई कि सच गुजरात के लोग सच्ची अपने कलाकारों को किस तरह प्यार करते हैं। जहाँ वसे गुजराती त्या वसे गुजरात। हमने तो आपसे बहुत सारी बातें की सक्सेस फेयर में, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको सक्सेस फेयर में हमारे साथ जुड़ के कैसा लगा? सक्सेस फेयर में जुड़ के बहुत अच्छा लगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो सक्सेस फेयर में आज तक शायद आप डॉक्टर्स को बुलाते थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन को बुलाते थे, तो सक्सेस फेयर ने अन्याय नहीं किया, कलाकारों को भी याद किया, ये एक यूनिक बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि सक्सेस फेयर में अच्छे अच्छे कलाकारों को भी भाग लेना चाहिए, पार्ट लेना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड आई रियली लव्ड इट। और मैं हमेशा आप लोगों का एहसान मानूंगा, पब्लिक का एहसान मानूंगा, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है कि सक्सेस आदमी को तभी मिलती है जब कभी ना कभी किसी का एक सहारा मिलता है। कहीं ना कहीं तो हर आदमी को एक एहसान लेना ही पड़ता है। एक शायरी थी जो मुझे याद आ गई इससे कि मांगने से जो मौत मिल जाती तो मैं खुदा होता और मेरी खुदाई होती। मांगने से जो मौत मिल जाती तो मैं खुदा होता और मेरी खुदाई होती। एहसान किसी का ना उठाता था मैं अगर मेरी लाश मेरे कंधों ने उठाई हो। क्या बात है, तो एहसान तो उठाना ही पड़ता है। सो आप लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, एहसान मंद हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू हियर ऑन आवर शो। थैंक यू। लगता है बारिश रुक गई है, इसका मतलब मेरा जाने का वक्त भी हो गया है। सक्सेस फेयर के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। ये सब मुझसे होने से रहा, इसको हम एक्ट्रेस के लिए छोड़ देते हैं। सक्सेस फेयर के अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए चेहरे से, एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सायोनारा।